Your Majesty, Jordan Naresh, Janab, Abdullah ibn al-Hussein, Excellencies, यहाँ मौजूद धार्मिक विद्वान और शीर्षस्थ नेता और सम्माननीय अतिथिगण, मेरे लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज जॉर्डन नरेश भारत के कुछ चुनिंदा धार्मिक विद्वान और नेताओं के इस समूह के बीच उपस्थित है। आपके बारे में कुछ कहना शब्दों के दायरे से परे है। इस्लाम की सच्ची पहचान बनाने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी बताया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हिज हाइनेस प्रिंस गाजी की जिस किताब का भी जिक्र किया गया, वो भी जॉर्डन में आपकी सरपरस्ती में हुई कोशिशों का ही एक शानदार नतीजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिज्ञासुओं के, जिनको इस्लाम को समझने में वो बड़ी मददगार होगी, और उसे दुनिया भर के युवा जरूर पढ़ेंगे। जिस आसानी से, जिस सरलता से और सादगी से आपने इस जलसे में आने की मेरी गुजारिश को एक्सेप्ट किया, उसमें भारत के प्रति और यहां के लोगों के प्रति आपके लगाव की बहुत साफ झलक मिलती है। योर मैजेस्टी, आपका वतन और हमारा दोस्त देश जॉर्डन इतिहास की किताबों और धर्म के ग्रंथों में एक अमिट नाम है। जॉर्डन एक ऐसी पवित्र भूमि पर आबाद है जहां से खुदा का पैगाम, पैगंबरों और संतों की आवाज बनकर दुनिया भर में गूंजा। योर मैजेस्टी, आप स्वयं विद्वान हैं और भारत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। आप भली प्रकार जानते हैं कि दुनिया के सभी बड़े धर्म भारत के पालने में पले बड़े हैं। दुनिया भर के मजहब और मत भारत की मिट्टी में पनपे हैं। यहां की आबोहवा में उन्होंने जिंदगी पाई, सांस ली, चाहे वह 2500 साल पहले भगवान बुद्ध या पिछली शताब्दी में महात्मा गांधी हो। अमन और मोहब्बत के पैगाम की खुशबू भारत के चमन से सारी दुनिया में फैली है। यहां के संदेश की रोशनी से सदियों से हमें सही रास्ता दिखाया है। इसी संदेश की शीतलता ने गांवों पर मरहम भी लगाया है। दर्शन और मजहब की बात तो छोड़ें,
भारत के जनमानस में भी यह एहसास भरा हुआ है कि सब में एक ही रोशनी का नूर है, कि जर्रे जर्रे में उसी एक की झलक है। योर मैजेस्टी, भारत की राजधानी दिल्ली और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इंद्रप्रस्थ है। यह सुफियाना कलामों की सरजमी भी रही है। एक बहुत अजीम सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका जिक्र हमारे यहां बहुत स्वाभाविक किया जाता है, उनकी दरगाह यहां से कुछ ही दूरी पर है। दिल्ली का नाम दहलीज सबसे निकला है। गंगा जमुना के दो आप की यह दहलीज भारत की मिलीजुली गंगा जमुनी संस्कृति का प्रवेश द्वार है। यहां से भारत के प्राचीन दर्शन और सूफियों के प्रेम और मानवतावाद की मिलीजुली परंपरा ने मानव मात्र की मूलभूत एकता का पैगाम दिया है। मानव मात्र के एकात्म की इस भावना ने भारत को वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन दिया है, यानी भारत और भारतीयों ने सारी दुनिया को एक परिवार मानकर उसके साथ अपनी पहचान बनाई है। सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता और बहुलता, ये हमारे नजरिए का खुलापन, यह भारत की पहचान है, भारत की विशेषता है। हर भारतीय को गर्व है अपनी इस विशेषता पर, अपनी विरासत की विविधता पर और विविधता की विरासत पर। चाहे वह कोई जुबान बोलता हो, चाहे मंदिर में वो दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो, चाहे वह चर्च में प्रार्थना करे या गुरुद्वारे में शब्द गाए। योर मैजेस्टी, अभी भारत में होली का रंग भरा त्योहार मनाया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले बौद्ध नववर्ष शुरू हुआ है। इस माह के अंत में गुड फ्राइडे और कुछ हफ्ते बाद बुद्ध जयंती सारा देश मनाएगा। फिर कुछ ही समय बाद रमजान का पवित्र महीना होगा, जिसके अंत में ईद उल फितर में त्याग और पारस्परिक सौहार्द और सामंजस्य की याद दिलाएगा। ये कुछ उदाहरण उन अनेक भारतीय त्योहारों के हैं जो शांति और सौहार्द के पर्व हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में डेमोक्रेसी एक सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि समानता, विविधता और सामंजस्य का मूल आधार है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ अवर एज ओल्ड प्लुरालिटी। यह वो शक्ति है जिसके बल पर हर भारतीय के मन में अपने गौरवशाली अतीत के प्रति आदर है, वर्तमान के प्रति विश्वास है और भविष्य पर भरोसा है। फ्रेंड्स, हमारी परंपरा की समृद्ध विविधता हमें वह संबल देती है जो आज के अनिश्चितता
और आशंका से भरे विश्व में और हिंसा और द्वेष से प्रदूषित संसार में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए यह बेहद जरूरी है। हमारी यह विरासत और मूल्य, हमारे मजहबों का पैगाम और उनके उसूल वह ताकत है जिनके बल पर हम हिंसा और दहशतगर्दी जैसी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद यह नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुल्म करने के लिए आमाद करती है। योर मैजेस्टी, भारत में हमारी यह कोशिश है कि सबकी तरक्की के लिए सबको साथ लेकर के चलें, क्योंकि सारे मुल्क की तकदीर हर शहरी की तरक्की से जुड़ी है, क्योंकि मुल्क की खुशहाली से हर एक की खुशहाली वाबस्ता है। हजरात, आपकी इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूदगी इस बात का संकेत है कि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए आपके मन में कितनी ललक है, कितना जज्बा है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है, और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। योर मैजेस्टी, आपके मार्गदर्शन में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो दरिंदगी की आग पर काबू पाने में बहुत मददगार है। हमारे लिए खुशी की बात है कि अमन डिक्लेरेशन पर दस्तक करने वालों में दो भारतीय भी शुमार है और वे इस वक्त हमारे बीच है। हमारी कोशिश है कि आप जैसे प्रभावशाली नेताओं के साथ मिलकर, जॉर्डन जैसे दोस्तों के साथ और सभी संप्रदायों के, मजहबों के नेताओं के सहयोग से एक ऐसी जिम्मेदाराना जागरूकता पैदा हो जो सारी मानवता को रास्ता दिखाए। इस बारे में हमारी तमाम कोशिशों में आपकी मौजूदगी से और भी ताकत मिलेगी। डी रेडिकलाइजेशन पर आपने जो काम किया है, इस तरह के प्रयासों में भारत आपके साथ
कदम से कदम बल चलना चाहेगा। इतनी बड़ी तादाद में भारत के उलेमा, धार्मिक विद्वान, इस्लामिक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स इस बात का यकीन दिलाने के लिए यहां पर मौजूद है। वे इसलिए भी यहां मौजूद है कि जिससे आपके ख्यालात को सुन सकें, क्योंकि आपकी राहबरी में हमें हौसला भी मिलेगा और दिशा भी मिलेगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां आने का नौता कबूल फरमाया। हजरात, इस जलसे में शिरकत के लिए मैं आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।